गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? ओके, तो ऐसे तो हम गीता रेस्टोरेंट के फैन हैं। सूरत में आपकी जो गीता रेस्टोरेंट स्पेशली रेसो वाली ब्रांच में है, हम कई बार जाते हैं, लेकिन अभी एयरपोर्ट पे हम आए हैं तो आपका ये रेस्टोरेंट देखा। तो सबसे बढ़िया कौन सी प्लेट है लाइट फूड में? वो मैं लाइट में सर साउथ इंडियन ले सकते हैं। ओके, हाँ ओके। और स्पेशली आपके जो ऑनर है शेट्टी जी, बराबर, उन्होंने स्पेशली मुझे हमें परमिशन दी कि आपकी ये गीता रेस्टोरेंट जो एयरपोर्ट पर है स्पेशली उसके लिए, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, लाइट फूड में मुझे डोसा बना दीजिए। ओके सर। ओके दोस्तों, आज हम आए हैं सूरत एयरपोर्ट के में। गीता रेस्टोरेंट सूरत में बहुत ही फेमस है। उसकी रिंग रोड पे एक ब्रांच है, दूसरी ब्रांच है विश्व पे। लेकिन मैं जस्ट ट्रैवलिंग कर रहा था तो मैं एयरपोर्ट पे देखा, आधे घंटे फ्लाइट लेट से है। अरे, और फूडी हूँ तो कुछ नए खाने के लिए और स्पेशली गीता का खाने के लिए मैं यहाँ रुक गया हूँ। मैनेजर साहब से हमने बात की और उन्होंने बताया कि आप हमारा साउथ इंडियन डोसा ट्राई कीजिए, आपको मज़ा आएगा। तो हम इसका डोसा ट्राई करते हैं। ओके चलो हम। तो मैडम जी, तो आपको ये डोसा का टेस्ट यहाँ का कैसा लग रहा है? अच्छा है। अच्छा है, और जैसा साउथ इंडियन ऑथेंटिक टेस्ट होता है इसमें 100% ऐसा है या डोसा? ओके, और आप बताइए मैम। हाँ, टेस्ट अच्छा है। टेस्ट अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। तो ये गीता का डोसा, गीता का रेस्टोरेंट जो सूरत में रहते हैं उनको तो पता ही होगा गीता रेस्टोरेंट कितनी बड़ी ब्रांड है, स्पेशली अपने टेस्ट के लिए। रिंग रोड पे भी बढ़िया है और वेसू एरिया में बढ़िया है। अब ये उसका डोसा, वो बहुत कम जगह पे बनाते हैं। और ये गीता जो रेस्टोरेंट है SVNIT कॉलेज है, वहाँ की कैंटीन का भी कॉन्टेक्ट उनके पास ही है। तो जो SVNIT में जो पढ़े हैं वो तो जानते हैं कि वहाँ का डोसा का टेस्ट कैसा है। तो इसका हम टेस्ट करते हैं। हमने सिर्फ सादा डोसा ही मंगाया है क्योंकि मसाला डोसा बहुत भारी हो जाता है। जो मद्रास, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उस टाइप जहां हम डोसा खाते हैं और जिस तरह का वो टेस्ट होता है। मैंने थोड़े हफ्तों पहले उडुपी का एक डोसा आपको बनवाया था, उसका एक ब्लॉग किया था, तो वहाँ जो टेस्ट था बस वैसा ही है टेस्ट है, जोरदार। स्पेशली इसका संभार, सर जी ये संभार है ना, एक 100% साउथ इंडियन है। ये तीनों प्लेट संभार चटनी, लेकिन ये ग्रीन चटनी यहाँ एक्स्ट्रा है, जरा क्लोज लाइएगा, ये ग्रीन चटनी है वहाँ पे एक्स्ट्रा है। ये चटनी स्पाइसी पुदीना वाली, संभार 100% सॉलिड, और ये चटनी आपको साउथ इंडियन टेस्ट की 100% याद दिलाती है। तो अगर आप सूरत एयरपोर्ट पे आए हो, टाइम है, वक्त है, घर से खाए बिना आए हो, तो डेफिनेटली जो सूरत वेसू एरिया में जो ब्रांच है वहाँ जो जैसा बढ़िया क्वालिटी वाला खाना मिलता है ना, सेम टू सेम यहाँ पे खाना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। थैंक यू सो मच। डोसा के बाद हमने जो रेगुलर कॉफ़ी आती है वही मंगवाई है। अगर एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, जो मुझे पसंद है ज़्यादातर। और ये शुगर, ज़्यादा मुझे शुगर पसंद नहीं है, यूज़ लगेगा।
तो मैं सिंगल शुगर लूँगा। और ये हम बटर मिक्स स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको इतनी स्ट्रॉन्ग पसंद नहीं है तो आप ये 50% डाल सकते हो और शुगर की डबल कर डाल सकते हो, मुझे सिंगल ही पसंद है। तो सर, सर आपने ग्रिल सैंडविच का ऑर्डर दिया है। यस सर। कैसा टेस्ट है? ऑसम टेस्ट, नाइस, ऑसम, परफेक्ट टेस्ट। और आपने गीता का सूरत में जो गीता थी ब्रांच है वहाँ कभी खाना खाया है क्या? एक बार खाया था। हाँ। और अब मैं रेकमेंड भी करूँगा नेक्स्ट टाइम। okay. अच्छा है टेस्ट, आपने लॉन्ग टाइम बहुत अच्छा टेस्ट मिला। ओके मैम, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा मुझे। ओके ओके ओके, एंजॉय फूड। थैंक यू। और सर आपको? बहुत अच्छा फूड है, बहुत अच्छा है। ओके, एंजॉय फूड। इंडिगो बैंगलोर पैसेंजर। यस सर, यस सर, प्लीज प्रोसीड।